75वें गणतंत्र दिवस का समारोह जिले भर में खुशनुमा माहौल के बीच मनाया गया। सुबह से छाई कोहरे की धुंध और आसमान में छाए बादलों के बीच देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा देखते ही बना। इसलिए अशासकीय शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थानों, स्कूलों, भाजपा, कांग्रेस, सीसीबी, प्रेस क्लब, कलेक्ट्रेट आदि कार्यालयों पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाकर एक दूसरे को राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सहायक संचालक जनजातीय कार्यभार खरगोन श्री सौमेंद्र सोनवानी, सभी की सौगानी को सम्मानित कर रहे हैं तथा आरक्षित विभागों के वर्तमान में 830 नल जल योजनाओं के माध्यम से 252,000 परिवारों को नल से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षा वास्तु जाती मंच के सामने से गुजरती थी। खेल गौरव राष्ट्रीय खिलाड़ी मध्य भाग में दिखाया गया है। आधुनिक प्रदर्शन गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रसंग मुद्रा में प्लाटून कमांडरों, परेड कमांडरों से परिचय, उनके हौसला अफजाई, कृपया झांकियों को आप आगे लाए और क्रमानुसार उन्हें प्रदर्शित करने का जय की गौरव
लागू करने के लिए सही सेवन किया था। जूनियर भी बनी का प्रेसिडेंट ने लागू करने के लिए चिंता दबोली। जूनियर एनसीसी डिवीजन लागू करने के लिए बामिया। भूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। देश के गण जन गण मन में देशभक्ति के अपार उत्साह और उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते देशभक्ति के तराने देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूदी चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार तलवार के भरोसे नाव नदी रंग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, वो ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे ही राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अभूतपूर्व संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के इस महान प्रसंग में अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्याति भव्य प्राण प्रतिष्ठा में भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई और मंदिर मंदिर दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में मध्य प्रदेश की मिठास अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में अध्यात्म और आस्था का उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए, मंदिरों पवित्र नदियों और जलाशयों में दीप दान किए गए, सभी शासकीय भवनों में रोशनी से जगमग किया गया श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।